नीला होगा और आसमान भी नीला होगा। सुनने में कैसा है कि ख्वाबों की दुनिया जैसा नहीं लगता है? तो चलिए क्यों ना आज हम सब मिलकर उस ख्वाबों की दुनिया का एक सैर लगाए। The land which is called Coral Paradise. Yes, I think you are guessing right. It's none other than Welcome to लक्षद्वीप। Hey everyone, इतना सुंदर सा इंट्रो और थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि अभी हम कहाँ जाने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, रवाना होने के लिए, और अभी बस लास्ट फिनिशिंग टच चल रहा है। घर पर सब एकदम होचपोच होकर पड़ा हुआ है, पैकिंग वैकिंग होकर एकदम अलग सा ही माहौल बन चुका है। तो आप लोग बने रहिए, बहुत सारे एडवेंचर्स और फनी मोमेंट को आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो ना ही सिर्फ फनी और एडवेंचरियस होगा, साथ ही साथ बहुत सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम लक्षद्वीप कैसे जाएं और कैसे इतनी सुंदर से जगह को हम अपने लाइफ में एक बार तो जरूर देख सके, है कि नहीं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ इस एडवेंचरियस टूर पर। अभी हम लोग हैं पारादीप के स्टेशन में, ट्रेन खड़ा है हमारा, और ये मम्मी मेरी बहन। Hey! कैसा क्या लग रहा है, थोड़ा शेयर कीजिए ऑडियंस के साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा करेंगे। तो क्या लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है आप दोनों से, हमारे ऑडियंस सुनना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, एडवेंचर के साथ, बहुत लॉन्ग जर्नी है। हाँ, लॉन्ग जर्नी तो है। मम्मी आप लॉन्ग जर्नी के लिए डर रहे हो कि क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे वाह, वैसे तो पानी का मामला है, शिप में जाना है, तो आपको थोड़ा डर वर नहीं लग रहा है अंदर अंदर से पानी में जाना है, क्योंकि आप तो डरती हो थोड़ा थोड़ा, तो क्या लग रहा है आपको? डर तो थोड़ा है, लेकिन तब भी ठीक है, बहुत मजा करेंगे ना, इसलिए थोड़ा ये है। तो जो लोग डरते हैं पानी से, उनके लिए मम्मी क्या कहना चाहेंगी, कि डरना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जो लोग पानी से डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, जाना बिल्कुल चाहिए, उधर जाके एंजॉय करो, मस्ती करो बस। क्या लगता है, मतलब खूबसूरत होगा या फिर हमारे ऐसे ही जैसे नॉर्मल होता है? बहुत खूबसूरत होगा। हम तो इंतजार में है कब पहुंचेंगे। ओ वाओ, हर सच्ची हम लोग सब बहुत ज्यादा इंतजार में है कि कब पहुंचना है, बस अभी वक्त देख रहे हैं कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी ये टाइम जाता है जर्नी का, और फाइनली हम शिप में बैठते हैं। क्या बोलते हो शोमिली? बाय। कटक पहुंचते ही, कुछ देर वेट करते ही, हम लोग का ट्रेन यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस हमारे सामने हाजिर हो गया। हम अपना लगेज लेकर के झटाफट से हमारे सीट की ओर निकल गए। रात का ट्रेन था तो ज्यादा डिले ना करते हुए फटाफट से सेटल करके हम सो गए, ताकि सुबह का ब्यूटीफुल सा जर्नी सीन्स हम लोग मिस ना करें। तो दिख ही रहा होगा, मैं ट्रेन में बैठी हुई हूँ अभी, रवाना तो कब का हो चुके हैं हम लक्षद्वीप के लिए। मैं अभी आपको ये शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे लक्षद्वीप तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपका शिप का जो बोर्डिंग टाइम है, जो बोर्डिंग डेट है, वो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आप जो शिप बुक कर रहे हैं वो आपका कौन से डेट में हो रहा है, और उस हिसाब से आपको फिर आपको ट्रेन का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, ट्रेन टिकट बुक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ट्रेन हैं जो डायरेक्ट आपको कोची तक पहुँचा देंगे, कोची मतलब कि वहाँ पर एर्नाकुलम स्टेशन है, कोची स्टेशन को एर्नाकुलम स्टेशन बोला जाता है, तो आप वहाँ भी डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं, मगर आप ब्रेक डाउन करके नहीं जा सकते। जैसे हम जा रहे हैं, हमको डायरेक्ट ट्रेन का टिकट नहीं मिला, तो हम ब्रेक डाउन करके जा रहे हैं। हमने कटक से ट्रेन लिया जो कि हमें चेन्नई में उतार देगा, एंड देन चेन्नई से फिर 4 आवर्स का रेस्ट के बाद, हम लोग 4 आवर्स के बाद हमारा वहाँ से और एक ट्रेन है जो हमको डायरेक्ट एर्नाकुलम पहुँचा देगा, चेन्नई से एर्नाकुलम। तो ये है पूरा प्रोसीजर, आप ब्रेक डाउन करके भी जा सकते हैं, या तो फिर आप भी एर्नाकुलम पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट एर्नाकुलम पहुँचने के लिए विवेक एक्सप्रेस एक है ट्रेन, जिससे आप डायरेक्ट एर्नाकुलम पहुँच सकते हैं, या तो फिर चेन्नई से ब्रेक डाउन करके तो बहुत सारे ट्रेन हैं। जैसे हम लोग अभी फिलहाल के लिए कोरोमंडल में जा रहे हैं,
और फिर हम वहाँ से अलेप्पी एक्सप्रेस उसमें चढ़ के हम सीधा एर्नाकुलम में नेक्स्ट डे पहुँचेंगे। एज चेन्नई टू एर्नाकुलम का डिस्टेंस जो है वो 6 to 7 hours का है। सो इस तरीके से आप कोची पहुँच सकते हैं ऑन टाइम। आप देखिएगा कि जैसे बोर्डिंग जो टाइमिंग होता है, जिस डेट में बोर्डिंग होता है, वो मैक्सिमम टाइम पर आपका सुबह का 10 बजे ही करने के लिए बोलते हैं। मैंने अभी तक जितना ब्लॉग्स एंड ऑल देखा है, फिर मैं जो भी जा रही हूँ उसके एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बोल रही हूँ, 10 बजे का ही बोर्डिंग रहता है वहाँ पर। बोर्डिंग करना पड़ता है वहाँ पर, रिपोर्टिंग का टाइमिंग 10 बजे आ जाता है करके आपको उस हिसाब से फिर पहुंचना पड़ेगा सुबह सुबह। जैसे हम लोग का जो ट्रेन है वो सुबह 8:30 बजे के अंदर अंदर ही एर्नाकुलम पहुंचा देगा। फिर हम उस हिसाब से 10 बजे जाएंगे जेटी में, वाफ में, लक्षद्वीप वाफ में, और वहां से हम अपना शिप में रिपोर्टिंग करेंगे। तो यस एवरीवन, आप इस तरीके से आराम से पहुँच सकते हैं, इसमें कोई इतना हेक्टिक नहीं है जाने के लिए। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सुविधा किया है हमारा, उतना सुंदर सा जगह देखने के लिए, हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, राइट और रॉन्ग। तो चलिए वादियों का मजा लेते हुए हम चलते हैं। एवरीवन, अभी हम पहुंच चुके हैं चेन्नई में और मैं उतर चुकी हूँ ट्रेन से। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारा कोरोमंडल एक्सप्रेस, और आप चेन्नई सेंट्रल भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक स्टेशन है लिटरली। मैं तो कहूँगा कि आप ब्रेक करके आइए, क्योंकि एक जगह देखने का मौका मिल जाता है ना ब्रेक करके आने से। वही तो आपको फाइनल डेस्टिनेशन एर्नाकुलम जाना ही है, कोची जाना ही है, तो क्या पापा वहाँ से हाई कर रहे हैं? और तो क्या फ़ायदा डायरेक्ट जाने का, एक स्टेशन ब्रेक करके आने से अच्छा है। तो अभी हम यहाँ पे 4 से 4.5 घंटे का हम बैठेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर से हमारा ट्रेन है जो कि 8:45 को है मे बी, तो वो अलेप्पी एक्सप्रेस है, हमको कल सुबह 8:30 बजे तक पहुँचा देगा कोची यानी एर्नाकुलम स्टेशन में। तो मैं तो चेन्नई सेंट्रल का मज़ा लेते हुए फिलहाल जा रही हूँ वेटिंग हॉल की तरफ, और मेरी फैमिली पीछे आ रही है। सो आप भी बने रहिए वीडियो में। सो एवरीवन, हमने अपना बैग रख दिया है क्लॉक रूम में, और थोड़ा चेन्नई का बाहर दर्शन करने आ गए हैं, चेन्नई दर्शन करने आ गए हैं। जरा देखिए कितना खूबसूरत है इसका बाहर, लग ही नहीं रहा है कि मतलब इतना खूबसूरत सा जगह में हम लोग अभी 4 घंटा रुकेंगे। जरा सभी बोर नहीं होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। और हावड़ा जैसा तो नहीं बोल सकती, बहुत अलग है हावड़ा से, बहुत ज़्यादा अलग है, मगर हवाई तो वैसा ही आ रहा है क्योंकि उतना ही बड़ा है। नहीं, हावड़ा ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली। तो अभी हम जा रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी भी बुक करने के लिए जगह है, और बहुत ही खूबसूरत सा सिटी है। आखिर रेलवे स्टेशन से ही तो एक सिटी का पहचान होता है ना, क्योंकि हर टूरिस्ट, हर ट्रैवलर सबसे पहले इसी जगह पर आता है और देखता है कि सिटी कैसा होगा, तो यहीं से पता चलता है। मैं कुछ दूर में लिफ्ट वगैरह का भी कुछ देख पा रही हूँ, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, करीब जाकर आप लोग को बताती हूँ कि वो क्या है। सो एवरीवन, ये है पूरा चेन्नई सेंट्रल का व्यू, ये है स्टेशन। और हाँ, मैं जो बोल रही थी ना लिफ्ट के बारे में, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड थोड़ा जूम करने दीजिए, वो जो देख रहे हैं ना वो सबवे का लिफ्ट है, मतलब नीचे जाएगा। नाइस, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे शहर को सजाया गया है। लिटरली यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, कह सकता है कि समुंदर पार में बसा एक बहुत ही खूबसूरत। यार इधर देखो, हाय तो कर दो। हाय हाय। इधर डर के मारे मम्मी का दुदु हो रहा है, दुदु। हम लोग लिफ्ट से अभी बाहर आए, जिस लिफ्ट के बारे में मैं बात कर रही थी उसी लिफ्ट से अभी बाहर आए। तो अभी घूमते हैं चेन्नई शहर। चेन्नई दर्शन हम लोग का चेन्नई स्टेशन के ही आसपास घूम करके हो गया, ज्यादा दूर नहीं, चल चल के थोड़ा चेन्नई एगमोर के पास तक गए, और वहीं ऑन द वे में हमें ब्यूटीफुल सा साउथ इंडियन डिनर भी हम लोग को मिल गया, और कुछ देर वेट करते ही हम लोग का अलेप्पी एक्सप्रेस भी हम लोग के सामने आ गया, जिसमें हम चढ़ के फटाफट से सेटल हो लेंगे। अभी हो गया है करीब करीब 9:50, और मैं अभी मेरे ट्रेन के सामने खड़ी हूँ, लगेज वगैरह मैंने उठा दिया और खाना वाना भी खा लिया। एज ट्रेन जब चलता है ना उस टाइम खाने वाले होता नहीं है, तो अभी हम लोग चढ़ जाते हैं ट्रेन में। सो यस,
अभी हम ट्रेन में चढ़ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं ट्रेन में। मेरी बहन जस्ट खा के, कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया है। क्या खाया? अभी तो हम इडली चपाती और एक फेमस है चेन्नई का इडियप्पम, बहुत ही अच्छा था। हाँ, हम लोग प्रेफर करते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ का खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है ना? हाँ। तो इसीलिए वही खाए हम, बहुत अच्छा लगा, इडियप्पम बहुत ही बढ़िया था। तो अभी हम आ गए हैं ट्रेन में, थोड़ा तीखा था खाना इसीलिए मैं तब से ये कर रही हूँ। सो ये है हमारा सीट्स ऑलरेडी, आकर ही यहाँ पे सब कुछ सेटल कर लिए हम लोग। पापा मम्मी कैसा लगा इडियप्पम? बहुत अच्छा लगा। इडली बहुत अच्छा लगा। इडली बहुत अच्छा लगा पापा को। तो अभी हम रेडी स्टेडी हो चुके हैं, कल सुबह सुबह जाके हम कोची पहुंच जाएंगे और फिर निकलेंगे हमारे ड्रीम डेस्टिनी की ओर। सुबह 8:30 से 9 के बीच में ही हम लोग पहुंच गए एर्नाकुलम जंक्शन। थोड़ा फ्रेशन अप हो करके एक कैब बुक करके हम लोग निकल पड़े लक्षद्वीप वॉक की ओर। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे आप लोग ऑन टाइम एर्नाकुलम जंक्शन या फिर लक्षद्वीप वॉक तक पहुंच सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और उसके बाद हमने क्या किया क्या नहीं किया उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पार्ट 2 के लिए मैं आपको ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी और बने रहिए इस टूर ब्लॉग के साथ, क्योंकि आपको भी आने वाले सारे पार्ट्स में मजा आएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।